वैसे तो आपने देश दुनिया में अजीबोगरीब चीजें देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मेंढक मेंढकी का विवाह हुआ हो? जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाने वाले हैं, और ये तस्वीरें हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में बसा हुआ है। बांसवाड़ा को वैसे तो छोटा चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार मानसून सत्र में होने वाली बारिश इस साल ना के बराबर हुई, जिसको लेकर इंद्रदेव को रिझाने के लिए बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के आजाद चौक डेगली चौक पर मोहल्ले वासियों ने तरुण मंच के पदाधिकारी अशोक मधोश के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों को मेंढक और मेंढकी की शादी में बाराती बनकर अनूठे तरीके से शादी करवाई। इस दौरान मेंढक और मेंढकी की शादी में ढोल नगाड़े बजाकर एक दूजे को वरमाला पहनाए। मेंढक मेंढकी की अनूठी शादी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं नाचती नजर आ रही हैं और मेंढक मेंढकी की शादी के लिए लोग मंडप भी तैयार कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसने ये शादी कराई, तो आपको बता दें कि बांसवाड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मधोश नाम है इस व्यक्ति का। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा और राजस्थान प्रदेश के संपर्क में कई जगह पर वर्षा नहीं होने से हमारे नदी नाले तालाब पोखर माई डैम सब खाली पड़े हुए। खेतों में फसल थोड़े दिन उपजा हुआ हरी भरी रहेगी, नहीं तो सूख जाएगी। इस कामना से, अच्छी बरसात की कामना से हमने मेंढक मेंढकी का शुभ विवाह सामूहिक रूप से करवाया। हमने तीन मेंढक और तीन मेंढकियाँ लाए, उसको इत्र से नहलाया, गुलाब के फूलों से उसका श्रृंगार किया, उनको नए वस्त्र पहनाए गए, उनको माला पहनाई गई, नए जेवर पहनाए गए और उनको सात पेरे घुमा के, और इसके बाद हमने देखनी माता चौक आजाद चौक गणपति मंदिर से होते हुए वापस पुणे यहाँ आके विसर्जन करें। अच्छी बरसात हो, नदी नाले तालाब माई डैम सब भर जाए, खेतों में हरियाली रहे और हमारा का किसान खुश रहे। हम सब प्राणी मात्र जीव जंतु सबको पानी की आवश्यकता है। इस भावना से अल्लाह से ईश्वर से रब से यीशु से जितने भी देवी देवता जो जो पूजनीय उन सबसे प्रार्थना है अधिक से अधिक प्रसाद हो, हमारा बांसवाड़ा संभाग पूरा हरा भरा रहे, वो पूरे देश में खुशहाली हो, अच्छी बरसात हो, पानी पीने की समस्या खत्म हो जाएगी, नहाने धोने की समस्या खत्म हो जाएगी, खेतों में फसल अच्छी हो जाएगी, ये हमारी कामना है। हम नाम के लिए कर रहे हैं, हम प्रभु से ईश्वर से प्रार्थना इंद्रदेव से आज ही बरसात इतनी अच्छी कर दे, हमारी सबकी भावना सफल हो जाए। हमने शुक्रिया कराया और उनको हम बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे से चुम्बन करवा रहे, उनका जीवन दीर्घायु दे, उनका विवाह अच्छी ढंग से संपन्न हो, उनके अच्छे बाल बच्चे पैदा हो और यही भी अंतर हमारे लिए उपयोगी बने मेहनत और ये लड़की। आपको बताते चलें कि इंद्रदेव को रिझाने के लिए वागड़ की ये परंपरा हमेशा सार्थक बनी है। वहीं इस शादी में आसपास के व्यापारी और काश्तकार वर्ग भी बाराती के रूप में शरीक होते हैं। ठीक मेंढक मेंढकी की शादी वैसे ही होती है जैसे हम अक्सर शादियों में देखा करते हैं। वही ढोल नगाड़ों के साथ बारातियों का आगमन, वर पक्ष और वधु पक्ष की ओर से हिंदू रीति रिवाज की वही शादी की रस्में अदा की जाती है। बारातियों को चाय पानी और नाश्ता भी करवाया जाता है। वही मान्यता है कि मेंढक मेंढकी की शादी के बाद राजस्थान के दक्षिणी भूभाग पर बसे बांसवाड़ा संभाग में इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और जमकर मेघ बरसाते हैं। नवतेज टीवी के लिए सुरेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट।